रतलाम के विक्रमगढ़ आलोट में धार्मिक स्थल पर पूजा करने को लेकर हुए विवाद को लेकर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। उपद्रव पर सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मध्य प्रदेश लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के अंतर्गत उपद्रव में सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई भी इन आरोपियों से की जाएगी। आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच के साथ और अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 9 जनवरी को धार्मिक स्थल पर पूजा करने की बात को लेकर हुए विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए थे, जिसमें लोगों की भीड़ में बिजली विभाग और एक किराना व्यापारी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद आलोट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना की को हमने कितनी गंभीरता से लिया वो आपको स्पष्ट हो गया कि हम एसपी साहब यहाँ पहुँचे। आज जो बैठक में एक बहुत ही क्लियर मैसेज बता दिया गया है कि जो भी दोषी होंगे पुलिस की कार्रवाई चल रही है, कई लोग गिरफ्तार किए हुए हैं, दोनों पक्ष के होंगे और हम इस कार्रवाई में पक्ष नहीं देखते। जो भी दोषी हो चाहे किसी समाज के, उन पर सख्त कार्रवाई होगी और इस बार ये कार्रवाई वहाँ तक सीमित नहीं रहेगी। सबके अवैध निर्माण होंगे वो भी तोड़े जाएंगे, अन्य एक्ट में जो कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति होना हमने नहीं दी जाएगी।